सुल्तानपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल जौनपुर का रहने वाला अजय पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। बता दें उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसी मामले में अगरौरा गांव के मंगेश यादव का भी इनकाउंटर हो चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय के पास से 4 किलो आभूषण, मोटरसाइकिल और 2 असलाह कारतूस के साथ बरामद हुआ है। बता दें कि डकैती कांड में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पुलिस ने बीते 5 सितंबर को मंगेश यादव का इनकाउंटर किया था, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा था। तो आपको बता दें कि ये सुल्तानपुर से बहुत बड़ी खबर है। को सुबह एसटीएफ को सूचना मिली, पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस के ऊपर फायरिंग की मारने के उद्देश्य से जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित है। और ये जो टटीरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे, उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेकर अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो अजय है वो अंडर ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 आरोपी अभी तक वांछित चल रहे हैं, जिसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं। वो शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।